नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एलसीडी डिजिटल क्लॉक। ये क्लॉक में अलार्म भी लगा सकते हैं। ये क्लॉक आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसका रेट है 500 रुपीज़। कभी कभी ये कम होके 300 में भी मिल जाता है। तो हर दिन इसका दाम अलग दिखता है वेबसाइट पे, तो आप उस हिसाब से आप देख के ले सकते हो। ये क्लॉक अच्छा है डिस्प्ले और अलार्म के लिए। तो आप अपने कंप्यूटर टेबल पे इसको ऐसे रख सकते हो जैसे मैंने रखा है। और इसमें फंक्शनलिटी है डेट टाइम अलार्म, मंथ डेट, टेम्परेचर, टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दिखता है। डेट आप इसमें सेट कर सकते हो, यहाँ पे डेट और मंथ दोनों दिख रहा है। टाइम आप इसको 24 आवर्स में सेट कर सकते हो या AM PM में 12 आवर्स सेट कर सकते हो, या अलार्म सेट कर सकते हो और डिसेबल भी कर सकते हो। ऊपर एक बटन दिया है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो लाइट जल जाता है और यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए लाइट ऐसे डिस्प्ले रहेगा। मतलब अंधेरे में अगर आपको देखना है तो आप बटन प्रेस करके इसे टाइम देख सकते हो। इसके पीछे इसकी सेटिंग दी गई है यहाँ पे आप सब कुछ सेट कर सकते हो। ये है इसका डेट टाइम अलार्म सेट, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आपको जो सेट करना है वो इस पे लेके आना है इस बटन को, और एकदम ऊपर कर दिया तो ये लॉक हो जाता है। यह उसी तरह यहाँ पे अलार्म का है, अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऊपर कर दिया तो ऑफ हो जाता है, नीचे कर दे तो ऑन हो जाता है। और ये है मिनट और डेट सेट करने का बटन, ये बटन है आर और मंथ सेट करने के लिए, ये ईयर सेट करने के लिए है, और टाइम आवर को 12 और 24 आवर फॉर्मेट में सेट करने के लिए है। ये सेंसर है घड़ी का, जो मैंने अभी लाइट बटन दबा के जलाया था, ये अपने आप जल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाए कमरे में तो अपने आप हल्की सी लाइट उसमें जला देता है ताकि अंधेरे में आपको टाइम देख सकें। तो चलिए देखते हैं अब इसको कैसे टाइम सेट करना है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है लॉक। लॉक यानी अभी इस पे जो चल रहा है वो सेट हो चुका है। अभी इसमें सब कुछ सेट करने के बाद लॉक कर दिया गया है। तो इसको अगर हमें अनलॉक करना है तो आपको इसको पहले नीचे लाना पड़ेगा। सेट टाइमर को सबसे नीचे है अलार्म सेट, एकदम नीचे ले आएंगे तो आप अलार्म सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर अलार्म ब्लिंक होने लगा है, ये देखिए 8:01 पे। तो आप अब इसको चेंज कर सकते हो क्योंकि आपका सेट जो है अलार्म पर सेट है। तो अभी यहाँ पर देखिए मिनट और ये है आवर। तो आपको यहाँ पे आवर चेंज करना है तो ये बटन दबाएंगे। तो ये देखिए मैंने आवर बटन एक बार दबाया तो यहाँ पे 8 था, ये 9 हो गया है। अभी मैं इसे फिर से एक बार और दबाऊंगा 9 से, ये 10 हो गया। ये अब मैं मिनट वाला बटन दबा रहा हूँ, ये देखिए मिनट चेंज हो रहा है इसमें 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह और वाला दबाएंगे तो 10, 11, 12, इसी तरह चेंज होते रहेगा। 1 PM 10 मिनट का अलार्म है। अभी आपको इस पे सेट करना है तो बस आपको ऊपर ले जाके लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद ये अलार्म इतने पे सेट हो गया। इसी तरह आपको अगर टाइम सेट करना है, डेट सेट करना है, तो अलार्म के थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो डेट पे आ जाएगा। ये देखिए ये ईयर बता रहा है 2022, और ये है डेट 7 मंथ अगस्त। तो डेट सही है,
अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे ये वाला बटन ईयर चेंज करने के लिए है, इस पे ईयर लिखा हुआ है, और ये वाला बटन मंथ चेंज करने के लिए, ये वाला बटन डेट चेंज करने के लिए। तो अभी हमारा डेट टाइम सब सही सेट है, तो हम इसको बटन प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर से बहुत घुमाना पड़ेगा इसके, तो हम इसको अब लॉक कर देते हैं। तो ये हमारा डेट टाइम सेट हो, डेट और अलार्म सेट हो गया है। 7 अगस्त, अलार्म 1:10। अब हम इस पर देखेंगे टाइम कैसे सेट करना है। तो टाइम जो है सबसे ऊपर लिखा है टाइम सेट, तो बस हल्का सा नीचे करेंगे तो ये टाइम पे आ गया है। तो अब ये देखिए टाइम ब्लिंक हो रहा है, टाइम ब्लिंक हो रहा है, और यहाँ पे इसका ये मिनट चेंज करने वाला बटन है या आवर चेंज करने वाला बटन है। तो इसको जब हम दबाएंगे मिनट वाला बटन, तो मिनट चेंज होगा, देखिए 36, 37, 38, 39, 40, 8:40। और हम इसका फॉर्मेट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं 12 to 24 hours में। ये देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया, तो 8:20 हो गया, और इसका AM PM जो है वो हट गया। और इसको फिर दबाऊंगा तो फिर ये 12 hour फॉर्मेट में हो गया और 8 PM दिखा रहा है। तो अभी 8:40 सेट हो गया है। अभी हम इसको लॉक कर देते हैं। तो ये डेट टाइम और अलार्म हमने सेट कर दिया। अब हम देखेंगे इसका टेम्परेचर कैसे सेट होता है। तो टेम्परेचर जो है ये हमेशा यहाँ दिखता है, ऑटो डिटेक्ट होता है टेम्परेचर। इसको हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बटन है मिनट वाला बटन, जब ये सेट टाइमर सेट वाला लॉक हो, एकदम ऊपर लॉक पे सेट होगा, तो जब आप मिनट वाली बटन दबाओगे तो ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में स्विच होगा। ये देखिए सेल्सियस फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलार्म बटन ऑन रखा है पीछे, इसलिए ये अलार्म का सिंबल और ये स्नूज़ वाला बटन दोनों दिख रहा है। इसको हम ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको ऑफ़ कर दिया, तो ये अलार्म और स्नूज़ वाला बटन सिंबल यहाँ से हट गया। इसको फिर से हम ऑन कर देते हैं नीचे करके, ये ऑन कर दिया तो फिर यहाँ पे आ गया और हमारा अलार्म सेट है 1:10। अभी हम अलार्म बजा के देखते हैं इसको टाइम चेंज करके। तो हम अलार्म का टाइम सेट करेंगे, एक ये लॉक को, सेट वाले लॉक को एकदम नीचे वाले पोजीशन पे लाएंगे। ये अब अलार्म सेट पे आ गया है। अब हम इसका अलार्म का टाइम चेंज करेंगे। पहले हम इसका मिनट चेंज कर देते हैं। अभी हमारे घड़ी में 8:42 हो रहा है, तो हम 8:43 पे अलार्म लगा देते हैं, और फिर हम और सेट आवर चेंज करेंगे 8:43, और हम इसको लॉक कर देंगे यहाँ से ऊपर। अब ये लॉक हो गया, ये देखिए अलार्म बजना शुरू हो गया। ये अलार्म ऐसे बजते बजते तेज होते जाएगा, अगर आप इसको ऊपर वाला बटन दबा देंगे तो अलार्म बंद हो जाएगा। अलार्म बंद, और ये स्नूज में रहेगा। लेकिन जब आप इसको पीछे से अलार्म ऑफ कर देंगे तो फिर ये स्नूज भी नहीं होगा, अलार्म ऑफ हो गया। इसी तरह से और जो ये सेंसर बटन है इसको ऑन रखेंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया, जब एकदम अंधेरा हो जाएगा रूम में तो ये अपने आप थोड़ा सा जल के रोशनी देगा।
और जब बिना लाइट बटन दबाए ही थोड़ी सी लाइट जल जाएगी उस घड़ी में, ताकि आपको डेट टाइम अंधेरे में देख सके। तो ये सेंसर उसी लिए है। वैसे तो ये घड़ी काफ़ी अच्छी घड़ी है, तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इसके ये कोई ब्रांडेड कंपनी का नहीं है, तो इसका कुछ बता नहीं सकते कितना दिन चलेगा या कैसा इसका परफॉर्मेंस है, पर अभी के लिए ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इसकी बैटरी है, इसमें इसमें 3 AAA की 3 बैटरी लगती है। यहाँ से आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगाया है ड्यूरासेल की 3 AAA की बैटरी। स्प्रिंग के साइड नीचे रहता है और दूसरे साइड ऊपर। जैसे आप यहाँ पे तीसरी बैटरी लगाओगे, ये घड़ी स्टार्ट हो जाएगी और आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये सेटिंग समझ में आ गया है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिए सेटिंग के बारे में। धन्यवाद।